टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर जो है, जैसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब हार्ट के वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उस टाइम पे जो ब्लड वेसल्स में ब्लड का प्रेशर है उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं उस टाइम पे जो ब्लड वेसल्स में ब्लड का प्रेशर है उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो दोनों के बारे में नॉलेज होना, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तभी हमें पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल है, जहाँ बढ़ा हुआ है जहाँ कम है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर, अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 और 120 के बीच में हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 70-80 के बीच में हो तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर। देन सेकंड, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120-129 mmHg के बीच में हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 70-80 mmHg के बीच में हो तो उसको हम कहते हैं एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, या थोड़ा सा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। फिर है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर की 3 स्टेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, जिसको हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस भी कहते हैं। तो स्टेज 1 जो है, जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130-139 mmHg हो या फिर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80-89 mmHg हो तो उसको हम कहते हैं स्टेज 1 ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। देन स्टेज 2, स्टेज 2 जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 mmHg से ज़्यादा हो या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mmHg से ज़्यादा हो तो उसको हम कहते हैं स्टेज 2 ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। देन स्टेज 3 या फिर हाइपरटेंसिव क्राइसिस, तो इसमें जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 mmHg से ज़्यादा हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg से ज़्यादा हो तो उसको हम कहते हैं स्टेज 3 या फिर हाइपरटेंसिव क्राइसिस। दीज आर द टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, स्टेज 1 ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, स्टेज 2 ऑफ हाई ब्लड प्रेशर एंड हाइपरटेंसिव क्राइसिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।